तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे इसे। 3.508 मल्टीप्लाई बाय 20.68 है, ओके, डिवाइड बाय 5.389, ओके। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऊपर जो ऊपर का जो टर्म है मल्टीप्लाई है उसे आप कर लो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 3.508, 3.508 इज इक्वल टू प्लस लॉग ऑफ 20.68, 20.68 इज इक्वल टू, ओके। इन दोनों के लॉग आपको क्या करने, ऐड करने। सबसे पहले 3.508 इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 आएगा। सो 0 पॉइंट आएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 2 माइनस 1, सो 1 पॉइंट आएगा। चलो इनके लॉग फाइंड करें, 35 का 0.8 में क्या आता है, लॉग 35 का 0 एंड 8 में क्या आता है, 10, ओके। तो 5451 आएगा, ओके, 5451 करेक्ट है क्या, लॉग आपका आप सभी का यही आया क्या, लॉग क्रॉस चेक करो। चलो अगर मेरा गलत होगा तो मुझे बता दो, अगर आपका गलत होगा तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, ओके, 5451, ओके। देन नेक्स्ट 20 का 6 8 में, 20 का 6 में क्या आता है, 3139, एंड 8 में क्या आता है, 17, ओके। सो 3156 हो जाएगा, 3156, ओके। क्लियर है क्या सभी को, यही आएगा सभी का, ओके। अभी ने क्या करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन है तो आप क्या करोगे, इनके लॉग ऐड करोगे, ओके। तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ओके। 5 प्लस 5 10, कैरी 1, ओके। देन नेक्स्ट 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, अगेन 5 प्लस 3 8, 0.1 प्लस 0 1 ही आएगा, ओके। तो आपको क्या करना है, अब इसका एंटी लॉग देखना है, ओके। 0.86 का 0.7 में एंटी लॉग देखो, 0.86, 0.86 का 0 एंड 7 में, 0 में आता है 7244, एंड 7 में आता है 12, ओके। सो क्या हो जाएगा, 7256 हो जाएगा, ओके, 7256। सो डेसिमल पॉइंट कहाँ पर देंगे, 1 है, सो 1 प्लस 1 2, सो यानी कि 2 पॉइंट के बाद आप क्या करोगे, डेसिमल पॉइंट दोगे, ओके। सो आपका ऊपर का मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आता है, 72.56, यही आएगा सभी स्टूडेंट का। इसका लॉग यही आया क्या, 72.56, या फिर कुछ चेंज है, ओके करेक्ट है, ओके। सो देन नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, डिवीजन करोगे, किसका डिवीजन करोगे, सो 72.56 डिवाइडेड बाय 5.389, ओके। सो चलो 5.389, ओके। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करोगे, लॉग देखोगे किसका, इन दोनों का लॉग देखोगे, ओके। तो चलो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अभी यहाँ पर लॉग ऑफ 72.56, सर स्क्रीन सेवेंटी पॉज टू पॉइंट फाइव स्क्रीन पॉज है क्या, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो लॉग ऑफ 72.56 इज इक्वल टू, एंड देन नेक्स्ट लॉग ऑफ 5.389, ओके। सो लॉग ऑफ 5.389, ओके। चलो इनके लॉग क्या करने हैं, आप सब्ट्रैक्ट करने हैं, ओके। तो सबसे पहले इनका क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक राइट करेंगे। चलो कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है इसका, 2 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। तो 1 पॉइंट आएगा, देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, 1 है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट आएगा। तो 72 का 5 एंड 6 में लॉग क्या आता है, लॉग टेबल में देखो, स्क्रीन दिखाई दे रहेगा सर सबको, यस सर, सर वहाँ पे व्हाइट पोर्शन है, फ्लैश आ रहा है सर, यहाँ पर फ्लैश क्या, ओके आ ओके, रहा कोई बात नहीं, वो बाद में, ओके, वो बाद में क्लियर हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, आज मैं उसका कुछ इंतजाम कर दूंगा, ओके। हाँ फिलहाल यहाँ पर ध्यान दो, 72 का 5 6 में क्या आता है, लॉग 72 का 5, ओके, एंड 6 में क्या आता है 4, ओके। सो 8607 आएगा,
8607 यही आएगा सभी का लॉग, चेक करो। चलो देन नेक्स्ट 53 यानी कि 53 का 89 में 53 का 8 एंड 9 में आता है 7। ओके सो 7315 7315। ओके अब आपको क्या करना है, इनका सब्ट्रैक्शन करना है। ओके सो सब्ट्रैक्शन करो, चलो जल्दी जल्दी सब्ट्रैक्शन करो। सब्ट्रैक्शन क्या आएगा इनका? ओके सब्ट्रैक्शन देखो, 7 - 5 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगेन 10 - 1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगेन 5 - 3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 8 - 7 1 हो जाएगा। 0.1 - 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है आपको? एंटीलॉग देखना है। ओके तो चलो 12 का 9 2 में यही आएगा सभी का आंसर। ओके करेक्ट है। सो 12 का 9 2 में देखो एंटीलॉग क्या आता है। आपको पॉइंट देना है। पॉइंट कहाँ पर है? 1 है। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। तो 13.47 आपका क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा 13.47। ओके बहुत सारे स्टूडेंट ने यही आंसर दिया था। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का आंसर करेक्ट है। वेरी गुड आदित्य मंदार, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था। अक्षय ने भी दिया था, बहुत सारे बच्चों ने दिया था। एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट का 13.46 ऐसा भी है। ओके तो ये भी करेक्ट ही आएगा। ओके आपका 1-2 डेसिमल आगे पीछे हो गया तो चलता है। ओके तो ये भी करेक्ट आएगा 13.46। ओके सो करेक्ट है, सभी का आंसर करेक्ट है। ओके ऑल ऑफ द यू, ऑल ऑफ यू, सभी का आंसर करेक्ट है। ओके सबका आंसर करेक्ट है 13.47। ओके तो अब होमवर्क जो है, होमवर्क सबको माफ। ओके आज कोई भी होमवर्क नहीं रहेगा। ओके बट आज होमवर्क नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं रहेगा। ओके आज का होमवर्क ऐसा भी हो सकता है मैं कल के लेक्चर में कवर कर लूंगा आपका। ओके बट आज आपको कोई भी होमवर्क नहीं रहेगा। ओके तो सबने करेक्ट आंसर दिया था, वेरी गुड। आई होप सो कि आप सभी के मल्टीप्लीकेशन डिविजन के कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। ओके अगर आप इस तरह से इक्वेशन अगर सॉल्व करें तो इसका मतलब आपका कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। ओके तो सभी स्टूडेंट इसे एक बार नोट कर लो, जिनका जिनका बाकी होगा उन्हें नोट कर लो। ओके चलो नोट कर लो, जिन जिनका बाकी है उनका, उसका नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। ओके नोट कर लो। चलो नया एग्जांपल मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट ध्यान देना यहाँ पर। ओके न्यू एग्जांपल मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। ओके चलो नया एग्जांपल यहाँ पर है क्या, ये सॉल्व करो, इसका फाइनल आंसर बताओ। चलो चलो सॉल्व करो। ओके बड़ा लिखना है। ओके सो एक बार फिर से यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 7.689। ओके यहाँ पर 7 राइट किया तो नहीं है। ओके
suppose just a second sir अब दिखाई दे रहा है क्या यस सर ओके चलो राइट करो चलो सॉल्व करो 7.689 है सबसे पहले नीचे का मल्टीप्लिकेशन है ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लो चलो जल्दी क्विक फास्ट आदित्य धम्बरे ने आंसर दिया है फाइनल आंसर क्या आपका है ओके चलो नेक्स्ट चलो जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या आता है सभी को दिखाई दे रहा है क्या ओके कार्तिक का भी आंसर आ चुका है चलो समीर अक्षय आदित्य पंकज मंदार आदित्य का भी आ चुका है आंसर मंदार का भी आ चुका है देखो इस बार आप सभी ने अलग 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 आंसर दिए ओके इस बार देखेंगे किसका सही आता है ठीक है विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम मैं ही सॉल्व कर देता हूँ आप सभी को ओके सो सब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे ओके सबसे पहले लॉग देखेंगे 35 का 49 में इनका कैरेक्टरिस्टिक्स राइट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा 0 आएगा ओके इसका क्या आएगा 1 आएगा 1 पॉइंट आएगा सो देन नाउ नेक्स्ट अब इनका लॉग देंगे 35 का 49 में ओके 35 का 4 में क्या आता है 5490 9 में 11 सो क्या आएगा यहाँ पर 5501 आएगा ओके 5501 ओके यही आएगा सभी का सबका यही आया क्या ओके देन नेक्स्ट 12 का 56 में ओके सो 12 का 5 एंड 6 में 21 ओके सो 990 आएगा 0990 आएगा ओके तो 0
9 9 0 आएगा. ओके, अब इनका एडिशन करो, 1 रहेगा यहाँ पर, 9 रहेगा यहाँ पर, 9 + 5 = 14 रहेगा, कैरी 1, 5 + 1 = 6 रहेगा, पॉइंट यहाँ पर 1 रहेगा. ओके, अब इसका क्या करना है आपको, एंटीलॉग देखना है. ओके, सो एंटीलॉग देखो इनका क्या आता है. एंटीलॉग देखो इनका क्या आता है, 1.6491 का. ओके, पॉइंट सिक्स फोर का 991 में, 9 में आता है 4457, 4458. ओके, सो 4458. ओके, अब पॉइंट का आप रहेगा 1 + 1 = 2 के 44.58. ओके, सो 44.58 आपका आंसर आता है. ओके, अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर पुट करना है. ओके, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, 7.689 डिवाइडेड बाय 44.58. ओके, सो अगेन आपको क्या करना है, इन दोनों का लॉग देखना है. ओके, सो देखो अब नीचे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर दिखाई नहीं देता ना, यहाँ पर लेंगे हम. ओके, देखो लॉग ऑफ 7.689 इज इक्वल टू अगेन लॉग ऑफ 44.58. ओके, तो सबसे पहले इनका कैरेक्टरिस्टिक्स राइट करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है वो देखेंगे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 7 पॉइंट दिया है. ओके, आएंगे 0 आएगा. ओके, सो 0 पॉइंट इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1 आएगा, सो 1 पॉइंट. ओके, अब इनका लॉग देखो क्या आता है, सो 76.89 में क्या आता है, 76 का 89 में. ओके, 5. ओके, सो 8859 आएगा. ओके, सो 8859. ओके, देन नेक्स्ट 44 का 5 8 में. ओके, 44 का 5 और 8 में, 44 का 5 में आता है 6484 एंड 8 में 8 आता है. ओके, तो 6492 आएगा, 6492, 6492. ओके, देन नेक्स्ट अब इनका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे. ओके, सो सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या होगा, 9 - 2 = 7 हो जाएगा, 15 - 9 = 6 हो जाएगा, देन नेक्स्ट 7 - 4 = 3 हो जाएगा, 8 - 6 = 2 हो जाएगा, पॉइंट रहेगा यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या है, -1 एज इट इज रहेगा, सो -1 आएगा यहाँ पर. इसका क्या करना है, एंटीलॉग देखना है. देखो 23 का 6 क्या आता है, 23 का 6 में आता है 1722 एंड 7 में मीन डिफरेंस क्या आता है, 3, सो 1725 आएगा. ओके, सो 1725, बट पॉइंट कहाँ पर देना है अब आपको, यहाँ पर क्या है, -1 है, सो -1 + 1 क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ के यहाँ पर आएगा 0.1725 आपका फाइनल आंसर रहेगा. किसने आंसर दिया है बताओ, किसने करेक्ट आंसर किसका था, इज देयर जिसने करेक्ट आंसर दिया था. सर, सर मेरा एक डाउट है. हाँ बोलो सर. देखो हमने जो पहले मल्टीप्लिकेशन जो एंटीलॉग निकाला है वो है 1.6491. क्या है, 1.6491. हाँ हाँ बोलो ना. तो सोर सर इस लॉग जो है वो है 44.58, करेक्ट. ओके, तो सर लेकिन आपने नीचे लेफ्ट साइड में बोर्ड में नीचे वहां पे आपने का एंटीलॉग लिखा है 1.6492. सो देखो यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया था, एंटीलॉग फाइंड किया था किसका, 1.64 का एंटीलॉग क्या आता है, 44.58. ओके, देन नेक्स्ट हमने फिर से यहाँ पर क्या किया, वो यहाँ पर आएगा ना. ओके, डिवाइड में आएगा, सो इसका यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा. इससे पहले भी मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में क्या क्लियर किया था,
लॉग एंड एंटीलॉग एक दूसरे को क्या आते, रिवर्स आते। यहाँ पर हमने 1.64 का एंटीलॉग लिया 44.5, अगर यहाँ पर हमें इसका लॉग चाहिए 44.5 तो इसका लॉग क्या आएगा 1.6492 ही आएगा ना। ओके, तो आपका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 91 आया और यहाँ पर 92 आया, इतना आपका कहने का मतलब है क्या? हाँ बोलो, आपका डाउट क्या है? यहाँ पर 91 आया और यहाँ पर 92 आया, ये डाउट है या फिर कुछ और डाउट है? हाँ बोलो ना, कौन था? चलो जल्दी बोलो, आपको अनम्यूट रखा है क्या सर ने? हाँ सर, वही डाउट था। हाँ क्या डाउट था, यहाँ पर 1 चाहिए या फिर यहाँ पर 2 चाहिए, ये डाउट था या फिर कुछ और है? नहीं सर, वही था, वही था। ओके, यानी कि यहाँ पर 1.6491 लिया है और यहाँ पर 1.6492 लिया है। ओके, तो चलो आप चेक करो एक बार 44 का 58 में क्या आता है लॉग। ओके, एक बार फिर से क्रॉस चेक करेंगे हम 44 का 58 में। ओके, सो 44 का 5 में क्या आता है, 6484 एंड 8 में क्या आता है, 8 आता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6492 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इसका चेक करो एंटी लॉक 0.64, 64 का 991 में क्या आता है, 64 का 9 में आता है 4457 एंड 1 में क्या आता है, इसका सही आंसर किसने दिया था, 0.1725 आंसर मैंने सॉल्व करने से पहले किसने सही दिया था? नो वन। ओके, कोई भी नहीं है, तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ आप सभी को, एक बार कैलसी के ऊपर चेक करो करेक्ट है क्या। ओके, क्योंकि किसने भी ये आंसर नहीं दिया था, शायद मेरा भी गलत हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं कि मेरा हर बार सही आएगा, मेरा भी गलत हो सकता है, इसलिए आप सभी बार एक बार इसे क्रॉस चेक करो कैलसी के ऊपर क्या आता है, देखो एक बार, मेरा भी गलत आ सकता है, क्योंकि आप में से किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया तो शायद मेरा गलत हो सकता है। एक बार इसे आप क्या करो, कैलसी के ऊपर चेक करो, क्रॉस चेक क्या आता है कैलसी के ऊपर, इसके अराउंड आता है क्या समथिंग? ओके, राउंड ऑफ डिस्टेंस आता है कैलसी के ऊपर, क्या आंसर आता है कार्तिक, एक बार डाल दो यहाँ पर कैलसी के ऊपर। कैलसी के ऊपर जो आंसर आता है वो आंसर यहाँ पर डाल दो एक बार। जीरो पॉइंट वन सेवन टू फाइव, ओके यही आता है क्या श्रेयश पाटिल? ओके ठीक है, फिर आप इसे एक बार नोट कर लो। तो आप सभी ने इससे, किसी ने भी इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया था, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको शायद होमवर्क देना पड़ेगा। 0.1724 यानी कि राउंड फिगर करेक्ट है। ओके, तो शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको होमवर्क देना पड़ेगा, इसका आंसर किसने भी करेक्ट नहीं दिया था। ठीक है, कल हम इसके और बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हाँ बोलो अक्षय, क्या पॉइंट है? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज आपको कोई होमवर्क नहीं रहेगा, पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने क्लियर दिया था, तो ठीक है उस पर मैं फिक्स रहता हूँ, आज आपको कोई होमवर्क नहीं रहेगा। बट आज का जो होमवर्क है वो मैं कल के लेक्चर में आपको एग्जाम्पल सॉल्व कर लूंगा, कल भी आपको दूंगा मैं। ओके, कल इसका आखिरी लेक्चर होगा इक्वेशन का, उसके बाद हम परसों के लेक्चर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके,
प्लीज अप्लाई पॉइंट बिग ड्रॉ करा करो सर. ओके थ्री फोर फोर नाइन में का ओके कोई बात नहीं. ओके पॉइंट भी नहीं दिख रहा तो मैंने आपको तीन चार बार बताया था, चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि 3.549 3.549. ओके ठीक है कल से बड़े नंबर लिखूंगा. ओके ठीक है तो आज के लिए हमें आप स्टॉप करेंगे, कल के लेक्चर में मिलेंगे. कल इसके और एग्जांपल देखेंगे, कल इसे फिनिश करेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं. तो ऋषिकेश सर आज के लिए लीव करता हूँ. वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. ऋषिकेश सर लीव करता फिर मैं आज. ओके सर. ट्राई टू जॉइन इट आफ्टर 3 मिनट्स फॉर द मैथ्स लेक्चर. ट्राई टू जॉइन आफ्टर 3 मिनट्स फॉर द मैथ्स लेक्चर.